बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको बोल दिया जाए कि भैया किसी भी देश का वीज़ा कैसे चेक करेंगे ये ज़रा बताइए, तो वो बोलता है कि हमसे वीज़ा चेक करना नहीं आता है, जबकि वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा मोबाइल चलाते रहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी देश का वीज़ा घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो किसी भी देश का क्यों ना हो उसको आप बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप किसी भी देश का वीज़ा जो है कैसे चेक करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, और आप जो है धोखाधड़ी से भी बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो एजेंट है, बहुत सारे ऐसे जो खाने वाले बैठे हैं ऑफिस वाले, जो आपको जो है पैसा तो ले लेते हैं बट आपको डुप्लीकेट वीज़ा पकड़ा देते हैं, और जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ से आप लौट के आते हैं। क्यों? क्योंकि आप चेक नहीं करते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो असली है या नकली है या डुप्लीकेट है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ से लौट के आते हैं तब आपको दिमाग में ये खटकता है कि भैया हमको पहले चेक कर लेना चाहिए था कि वीज़ा असली है या नकली। तो आप बहुत ही आसानी से ये वीडियो देख के आप सीख जाएंगे किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप किसी भी देश का वीज़ा कैसे चेक करेंगे और धोखाधड़ी से आप कैसे बचेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से आप किसी भी देश का वीज़ा चेक करेंगे और धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी देश का वीज़ा चेक किया जाता है और धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी देश का वीज़ा चेक करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको डाल देना है www.edinrd.online। तो यहाँ पर देखिए पहले में वाला जो ऑप्शन है इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको इस यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज देखने को आपको मिल जाता होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो बोला जा रहा है सेलेक्ट सर्विस टू इंक्वायरी, तो आपको पहले ही जो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एंट्री परमिट वैलिडिटी। तो और यहाँ पर देखिए कि आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है एंट्री परमिट नंबर। तो मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा कि वीज़ा कैसा होता है और परमिट नंबर कैसा होता है। यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको पहला नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है फीमेल है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में से चूज कर लेना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ ज़्यादा है तो यहाँ से आपको कम कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको कम कर लेना है, मई कम हो जाएगा, और ईयर कम करना है तो इस पर क्लिक करके आपको ईयर भी कम कर सकते हैं। इसके बाद मई को बढ़ाना है कि मतलब मंथ को बढ़ाना है, मई है तो अगर हम जून चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, जून आ गया, इस तरीके से आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है। और कम करना है मंथ को मतलब महीना को, तो इस तरीके से कम कर लेंगे। और इसके बाद सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपको डेट है, तो इस तरीके से डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। यहाँ पर नेशनलिटी चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा देश है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी देश से है तो आपको अपना देश आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। ये जो आपको कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना, जो भी कैप्चा है एजेंसी कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए कि मैं सब कुछ यहाँ पर डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर चलिए मैं दिखा देता हूँ कि एंट्री परमिट नंबर कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर वीज़ा है, वीज़ा पर मैं दिखाऊंगा कि वीज़ा भी कैसा होता है और वीज़ा में जो एंट्री परमिट नंबर है वो कैसा होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वीज़ा वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा वीज़ा आ चुका है और यहाँ पर देखिए कि एंट्री परमिट नंबर ये है और यहाँ पर आपका आ चुका है 206, ठीक है। तो आपको ये पहले जाना है अपने जो पेज है इसमें जाना है, यहाँ पर देखिए कि आपको 301 है तो इसमें आपको 306 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वहाँ पर 306 था। अब यहाँ पर देखिए कि आपको वीज़ा पर यहाँ पर 2021 है, ठीक है, तो 2021 है। अब यहाँ पर चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि आपका 2020 तक ही शो कर रहा है,
ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 2021 नहीं शो करेगा और आप डालिएगा, बीसी डालिएगा और जैसे ही सब कुछ फिलअप करके आप इंटर कीजिएगा तो ये आप जो है अर्न वैलिड देखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 2021 का नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अपडेट नहीं किया है, इस पेज को, ये सर्वर को अपडेट नहीं किया है, वेबसाइट को अपडेट अभी तक नहीं किया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर आपको जो है करप्टी शायद ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, यहाँ जो 2020 तक दे रहा है और यहाँ पर देखिए कि वीजा का आपको यहाँ पर 2021 दे रहा है। जब तक 2021 आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा तब तक आपको कैसे पूरा बताएगा ये सही है। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे आपको शो करता है या नहीं। चलिए मैं ये जब तक यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपको इसमें आपको इस वाला नंबर में जो है खाली जो बॉक्स है इसमें आपको ये वाला नंबर डालना है, तो ये वाला नंबर को आपको यहाँ पर कॉपी करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी भी कीजिएगा तो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद सिंपली जाना है आपको उसी पेज पे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी डाल के आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आ चुका है, अब यहाँ पे आपको सब कुछ है और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं सबमिट किया हूँ तो यहाँ पर देखिए अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विथ गिवन डिटेल। जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा था 2021, यहाँ पर आपको बीसी शो कर रहा था, इसके वजह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 2021 शो कर रहा होगा और यहाँ पर डालेगा तो यहाँ पर आपका पूरा आपको आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2021 भी रहेगा और आपका फिर भी नहीं आता है, इस तरीके से आपको लिखा के आता है। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद 2021 भी डालने के बाद तो आप समझिएगा कि आपको जो वीज़ा दिया है वो कोई फेक वीज़ा है, कोई डुप्लीकेट वीज़ा है, आपको कोई फंसा रहा है, कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद अगर आप नीचे में आपका नाम, परमिट नंबर, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर देता है नाम के साथ, तो समझिए कि आपका जो वीज़ा है वो ओरिजिनल है। अगर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए कि ये आपका जो है जेन्यून नहीं है, फ्रॉड है। आपको जो वीज़ा दिया, जो भी एजेंट है, जो भी आदमी है जो वीज़ा दिया है वो सही नहीं दिया है, उससे जाके संपर्क कीजिए, मिलिए और उनके कहिए कि भैया मैंने वीज़ा चेक किया हूँ, वो आपका वीज़ा है वो प्रॉपर तरीके से आपको शो नहीं कर रहा है, कुछ जो है अनेबल दिखा रहा है, तो वो क्या चक्कर है, क्या मजरा है, आप थोड़ा बताइए। ठीक है, तो वो एजेंट है तो अगर आपको दिया तो उससे बात कर लीजिए, या कोई आदमी दिया उससे बात कर लीजिए कि भैया आपका जो वीज़ा दिए हैं वो सही तरीके से यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। शो का ये बहुत ही छोटा और सिंपल प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही आसानी से दुबई का वीज़ा या कोई भी कंट्री का वीज़ा आप यहाँ से बहुत ही आसानी से उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।